हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी नोट्स फॉर योर ऑनलाइन स्टडी चैनल। आप सबके अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि यूजीसी नेट का री एग्जाम जल्दी ही कंडक्ट होने वाला है 21 अगस्त से 4 सितंबर के बीच में। ऐसे में जो भी कैंडिडेट प्रिपरेशन करना चाहते हैं, यूजीसी नेट का रिवीजन करना चाहते हैं, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको पेपर वन की सारी लाइव क्लासेस मिल जाएंगी। साथ ही यहां पर कंटेंट यानी कि आपको पीडीएफ भी मिलेगी। तो स्टडी मटेरियल अगर आप चाहते हैं तो आप हमारे यहाँ पर देख सकते हैं, लिंक अवेलेबल है होम सेक्शन पे, आप वेबसाइट पे, टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। कंटेंट आपको टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे दोनों पर ही मिलेगा, साथ ही वेबसाइट पे। साथ ही अगर आप चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं, मेंबर बनना चाहते हैं दिसंबर 2024 की तैयारी के लिए, तो ज्वाइन बटन से डायरेक्टली ज्वाइन भी कर सकते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर यूजीसी नेट पेपर वन के एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज 4 से 5 साल के मतलब कवर करते हुए क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व करवाए जा रहे हैं। क्यों ये मैं बता रही हूँ? क्योंकि भाई री एग्जाम आ रहा है, ऐसे में टाइम कम है। और सिर्फ जो चीजें हैं ना, कहते हैं ना कि हमें पास चाबी होनी चाहिए, की होनी चाहिए ताले को खोलने वाली, तो यहाँ पर हम सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही आपको करवा रहे हैं। बाकी यहाँ पर सिटी इंटीमेशन आ चुका है, सिटी इंटीमेशन से जुड़े हुए यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस भी हैं जो कैंडिडेट्स की तरफ से पूछे जा रहे हैं कि यहाँ पर सिटी इंटीमेशन के लिए कौन सी साइट पे जाएं। तो यहाँ पे देख सकते हैं UGCNTA.ac.in, इस पे आप चले जाएं, यहाँ पर क्लिक करेंगे सिटी इंटीमेशन की जो लिंक आ रही है, एप्लीकेशन नंबर और DOB डाल करके, साथ ही यहाँ सिक्योरिटी पिन डाल करके आप सबमिट कर सकते हैं। कुछ लोग का कहना है कि मैम के एप्लीकेशन नंबर बदल गया है, तो बिल्कुल भी नहीं, जो आपने जून एग्जाम पे एप्लीकेशन नंबर डाला था वही डलेगा। जिन्होंने पहले एग्जाम, मान लीजिए जून में उनका एडमिट कार्ड आया लेकिन किसी रीजन से एग्जाम नहीं दे पाए, तो उनका भी दोबारा से एडमिट का यहाँ पर एडमिट कार्ड आएगा। साथ ही सिटी अलॉटमेंट भी जारी किया गया है, तो जिन जो बच्चे एब्सेंट थे वो ये ना सोचे कि उनको एग्जाम देने को नहीं मिलेगा, क्योंकि उनको भी यहाँ पर एग्जाम देने का मौका मिल रहा है। दूसरी चीज यहाँ पे है कि अगर एप्लीकेशन नंबर भूल गए हैं कोई दिक्कत नहीं है, आप अपनी मेल आईडी पे NTA, जब एप्लीकेशन फॉर्म फिल करा होगा मेल आईडी दी होगी, तो NTA के नाम से सर्च कर लीजिए, आपको वहां पर मिल जाएगा। दूसरी चीज कि एडमिट कार्ड कब तक जारी होंगे, तो गाइस बहुत ही जल्दी इसके जो एडमिट कार्ड है जारी होंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि यूजीसी नेट का एग्जाम 21 अगस्त से है। ऐसे में 2 से 3 दिन पहले ही इसके जो एडमिट कार्ड है उसकी नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल सकती है। जो लास्ट नोटिफिकेशन आई थी वो आपकी सिटी अलॉटमेंट की थी, सबके सिटी अलॉटमेंट आ चुके हैं, यानी कौन से सिटी में आपका एग्जाम है वो आप देख सकते हैं। तो यहां पर कुछ चीजें हैं जो एग्जाम से रिलेटेड है ध्यान रखने वाली। पहली बात तो एग्जाम शीट जरूर देख लीजिए, सब्जेक्ट कोड के अकॉर्डिंग देखिएगा कौन सी डेट में आपका एग्जाम पड़ रहा है। और दूसरी चीज शिफ्ट वन शिफ्ट टू, कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, मान लीजिए शिफ्ट टू में एग्जाम है या शिफ्ट वन में एग्जाम है, तो वहां कंफ्यूज हो जाते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है। सुबह का जो मॉर्निंग शिफ्ट का एग्जाम है 9 से 12 है, कोशिश करिए 7:30 बजे तक एग्जामिनेशन सेंटर पहुंच जाए। वही जो इवनिंग शिफ्ट है 3 से 6 वाली, उसमें कोशिश करिए कि 1:30 बजे तक आप अपने एग्जामिनेशन सेंटर पहुंच जाए। उसके अलावा एप्लीकेशन नंबर के साथ आपका यहाँ पे रोल नंबर एडमिट कार्ड में जारी किया जाएगा, जो कि आपको सिटी अलॉटमेंट में अभी देखने को नहीं मिला है। तो ये चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है एग्जामिनेशन सेंटर पे जाने से पहले, ठीक है। उसके अलावा वैलिड आईडी प्रूफ ले जाना है, सिर्फ एक फोटोकॉपी होगी एडमिट कार्ड की। बाकी एग्जाम से रिलेटेड जो इंस्ट्रक्शन है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जरूर बताऊंगी। बाकी कंटेंट वगैरह लाइव क्लासेस आपको हमारे चैनल पर मिलती रहेंगी। एग्जाम से रिलेटेड और आपकी कोई मन में क्वेरी हो, जो चीज नहीं समझ में आ रही हो, तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑल द वेरी बेस्ट।